हेलो एवरीवन, आज बनाने जा रही हूँ मैं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। उसके लिए एक कटोरी मैदा, आधी चम्मच से भी कम चीनी और आधी चम्मच से भी कम नमक डाला और आधी कटोरी दही डाली है और एक चम्मच ऑयल डाला है। अब इसका हम एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। और दोस्तों, घर में आसानी से हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं और उसका बेस भी घर में आसानी से बन जाता है। तो हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो देखिए, 10 मिनट के बाद ये फूल चुका है। अब हम इसको दो बराबर हिस्सों में कर देंगे। और बेलन पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे। उसके बाद हम इस पे फॉक से निशान लगा लेंगे। और ये निशान जो है वो लग चुके हैं। अब हम पैन में ऑयल लगाएंगे और इसको पिज़्ज़ा के बेस को अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए, एक तरफ सिक चुका है, अब जो दूसरी तरफ है वो भी सिक चुका है। तो ये पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें टमाटर केचप लगाएंगे। तो आपके पास जो सब्जियां घर में हैं आप इसमें लगा सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके बाद दोस्तों, इसमें अच्छे से चीज़ डालेंगे। चीज़ के बिना पिज़्ज़ा जो है उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो आप जितना चाहो, आपका मन है उतना चीज़ जो है वो डाल सकते हो। अब हम इसमें सब्जियाँ सेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सब्जियों से लोडेड हो चुका है और चीज़ से भी। अब इसको 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए, 4 मिनट के बाद ये जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है। और देखिए, बाज़ार जैसा बिल्कुल बढ़िया सा जो पिज़्ज़ा है वो घर में रेडी हो जाता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।